बीते दिनों करनाल में दो पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात के बाद लोगों में भय का माहौल है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, बदमाशों के दिल में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। करनाल में लूट की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने स्पेशल नाके लगाकर तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और मुंह पर कपड़ा बांधकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एसपी साहब की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाइक पे मुंह बांधकर लड़के चलते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, उनको ज़रूर रोका जाए और उनकी अच्छे से पूछताछ की जाए, वो कहाँ से हैं, क्यों मुंह बांध रखा है। और जो बिना नंबर की गाड़ियाँ या बाइक हैं, उनको टारगेट करके रोका जा रहा है और उनके चालान किए जा रहे हैं। अगर संदिग्ध पाया जाता है तो जो भी नियमानुसार अगली कार्रवाई बनती है वो की जाती है। करनाल में पिछले वक्त में कई लूट की वारदात हुई है। अगर वक्त रहते पुलिस एक्टिव मोड में आ जाती तो लूट की वारदातों पर वक्त रहते ही अंकुश लगाया जा सकता था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब देखना होगा कि पुलिस की सक्रियता से क्राइम पर कितना कंट्रोल होता है। R9 TV के लिए करनाल से कमरजीत सिंह की रिपोर्ट।